फिंदू से स्वागत आपका, मैं शिल्पा। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर अब अक्षरा की जिंदगी में आएगा एक नया तूफान। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अभिमन्यु को होश नहीं आता है और अक्षरा को होश आ जाता है, और दोनों ही यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। घर वाले अक्षरा को नहीं बताना चाहते कि अभिमन्यु की क्या सिचुएशन है, लेकिन अक्षरा जिद करती है और अभिमन्यु भी उसी का नाम ले रहा होता है बेहोशी में भी, जिसके बाद घर वाले डिसाइड करते हैं कि हमें शायद इन दोनों को मिला देना चाहिए। और अक्षरा देखती है कि अभिमन्यु की हालत बहुत ख़राब है और वो अभी भी डेंजर सिचुएशन में है, जिसके बाद अक्षरा अब उसके सामने गिड़गिड़ाते नजर आती है, अपने प्यार को याद दिलाती है और फाइनली अभिमन्यु को होश आ ही जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, देखने को मिलेगा। सभी घर वाले अभिमन्यु से मिलते हैं और मंजरी और सभी लोग खुश हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इन दोनों का गृह प्रवेश वो काफ़ी धूमधाम से करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब शादी हुई थी तब ऐसा कुछ नहीं हो पाया था और इसीलिए उन्हें अपशगुन लग रहा है। जिसके बाद अक्षरा और अभिमन्यु का गृह प्रवेश दोनों का फिर से करवाया जाएगा बड़े धूमधाम से, पूरा परिवार मिलकर, दोनों परिवार मिलकर इनका गृह प्रवेश करवाएंगे, साथ में ही तीज का त्यौहार भी मनाया जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी है और वो होगा अब अभिमन्यु के हाथ में। अब हो चुकी है पैरालाइज्ड, जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु का हाथ धीरे धीरे पैरालाइज्ड होना शुरू हो चुका है, जिसका अब अंदाज़ अभिमन्यु को होता है और ये बात वो अक्षरा से छुपाते नजर आएगा, और यही वजह होगी नए तूफान की जो अक्षरा को तगड़ा झटका देगा। अभिमन्यु सभी लोगों से इस बात को छुपाते नजर आएगा और अभिमन्यु को हो चुकी है बहुत बुरी बीमारी, और यहाँ देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। अब देखना होगा अक्षरा के सामने भी ये सच आएगा और उसके भी होश उड़ जाने वाले हैं।